हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस 2024 का सॉल्यूशन। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सॉल्यूशन बच्चों, मैं आपके साथ एक दो पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं कि देखिए, लगभग मुझे पढ़ाते हुए 15 से 20 साल हो गए, मुझे भी नहीं पता जब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने जितने भी जेई के पेपर देखे हैं, शायद जो फिजिकल केमिस्ट्री आई है, इतनी आसान फिजिकल केमिस्ट्री मैंने नहीं देखी। और इनऑर्गेनिक में भी यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट था कि इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं, जो इजी हैं वो बहुत इजी हैं, आप बोल सकते हो जेई मेन के लेवल के, लेकिन जो टफर साइड पर हैं वो अच्छे खासे टफ हैं। तो बच्चों एक बार स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट किए, और फिर एक बार देखते हैं कि भाई आप लोगों का कैसा स्कोर रहा। आप लोग इस एग्ज़ाम को देखेंगे तो मुझे लगता है मैं इसे जो रेट करूँगा मॉडरेट और ईजी के बीच में करूँगा, इवन जेई के हिसाब से। ऑर्गेनिक वॉज ऑन टफर साइड, तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी फिजिकल और इनऑर्गेनिक की। तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक के हमने सॉल्यूशन एक साथ रखे हुए हैं, एंड देन वी विल टेक ऑर्गेनिक सेपरेटली। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं, जो पहला सेक्शन था उसमें आपके सिंगल करेक्ट थे, और सिंगल करेक्ट होने के बाद करेक्ट करने पर आपको +3 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग -1 थी। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखें, अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एक्स एट 300 केल्विन। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, अक्सर जैसा मैं बच्चों से कहता हूं कि आप विजुअलाइज कर लीजिए कि यहां पर 10 ग्राम एक्स है, 300 केल्विन इसका टेम्परेचर है, विच एग्जर्ट 2 atm प्रेशर, और इसका जो प्रेशर है दैट इज ऑल्सो 2 atm। इसका प्रेशर कितना है? 2 atm एट द सेम टाइम, एट द सेम टेम्परेचर। अब आपने इसमें क्या ऐड कर दी है? एक और गैस वाई। क्या ऐड कर दी है भाई? एक और गैस वाई। और जब आपने एक और गैस वाई ऐड कर दी है तो यहां पर क्या होगा? द प्रेशर बिकम 6 atm। तो जो प्रेशर पहले 2 atm था वो प्रेशर अब कितना हो गया है? 6 atm। तो एक बात तो क्लियर है, आप डाल्टन्स लॉ भी पढ़ते हैं कि भाई जब आपने नई गैस ऐड की, पहले 2 था अब 6 हो गया, तो नई गैस का प्रेशर कितना होगा? जो वाई गैस आपने ऐड की, वाई गैस का जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा? 4 atm। और जो पुरानी गैस थी एक्स, उसका प्रेशर कितना था? 2 atm। नाउ इट सेज द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ एक्स एंड वाई। तो ध्यान से देखिए, एक ही टेम्परेचर पे है, तो यू आर एम एस रूट मीन स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज √3 RT/m। अगर मैं दोनों गैसेस का कंपेयर करता हूं तो यहां पर दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम, आर कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो अगर रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एक्स एंड वाई, तो जब मैं यू आर एम एस एक्स और मैं क्या लिखूंगा? यू आर एम एस वाई, तो बेसिकली इट विल बी एम वाई ओवर एम एक्स। तो कहीं से मुझे मोलर मास ऑफ वाई और मोलर मास ऑफ एक्स का रेशियो मिल जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो रेशियो भी मुझे मिल जाएगा, वो रेशियो कहां से मिलेगा? जरा इधर देखिए, एक मिनट, उस रेशियो को भी हम ले लेते हैं। अब देखिए px क्या होगा? मोल्स ऑफ x यानी w दैट इज गिवन एज 10 ग्राम, 10/mx/rt, और py क्या होगा? 80/my/rt। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं तो px/py, अब आप देखिए ये px है और ये py है, तो px/py कितना हो जाएगा? 2/, एंड py इज 4, एंड आफ्टर डूइंग दिस my/mx इट विल बी 1/8। तो नाउ 2 4, तो my/mx ये रेशियो कितना आ जाएगा भाई? 4। उसे यहां रख दीजिए, 4:1, यानी ये क्या आ जाएगा? 2:1। तो एकदम बेसिक डाल्टन्स लॉ के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम थी, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जेई एडवांस कभी भी टफ नहीं होता, वो इसी तरीके की प्रॉब्लम पूछता है जहां पर वो आपके फंडामेंटल चेक करता है। तो अब अगली क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है इनऑर्गेनिक से। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड की बहुत सारी रिएक्शंस याद करते हैं, बट जेई ने यहां पर किसका दे दिया? HNO2 का। तो अगर मैं इसकी बात करूं, एट रूम टेम्परेचर डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इन सीटू जनरेटेड नाइट्रस एसिड, यानी अगर मैं HNO2 का डिस्प्रोपोर्शनेशन कराता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो बेटा यहां पर आपको 2 नहीं ये 3 आएगा। इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए,
एंड ऑन डिस्प्रोपोर्शनेशन यू विल गेट 2NO. क्या मिलने वाला है? देखिए यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस 5, यहाँ पर कितनी है, प्लस 2, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, यस और नो? सॉरी, प्लस 5 नहीं होगी, प्लस 3, तो प्लस 3 से कहाँ जा रहा है वो, प्लस 2, एंड यू आर गोइंग टू गेट NO3-, एक मिनट, NO3-, अरे यार, चलो NO3-, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस 5, एंड देन यू विल गेट H2O, H3O+, मेरे हिसाब से अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. तो अगर इसका आंसर हमें मार्क करना हो, तो H3O+, NO3-, एंड नो, योर आंसर विल बी ए. तो इनऑर्गेनिक है, अगेन अगर ये रिएक्शन मुझे भी याद नहीं होगी तो मैं भी ये आंसर नहीं कर पाऊंगा. अगली प्रॉब्लम पे मूव करते हैं भाई. अगली प्रॉब्लम है ये बड़ी इजी, कोऑर्डिनेशन की. देखिए पिछले कई सालों से अगर आप देख रहे हो तो 2 से 3 प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन की होती हैं, बट इस बार जो प्रॉब्लम आई है वो बहुत बेसिक है और बड़ी सिंपल है. अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच ईच कॉम्प्लेक्स इन सेट 1. तो देखिए हर ऑप्शन में 2 सेट दिए, सेट 1 एंड 2, शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड 2 कॉम्प्लेक्सेज इन सेट 2 शोज व्हाट, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ऑफ ईच अदर. तो ये इथिलीन डाइअमीन है, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो स्क्वेयर ब्रैकेट होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसे बोलते हैं, उसके बाहर आयंस अलग अलग हो जाते हैं, वो अंदर वाले से एक्सचेंज हो जाता है. तो मुझे लगता है इससे सिंपल, आजकल तो बोर्ड में भी इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. तो जैसे अगर मैं इसे लेता हूँ MA4, ये देखते ही आप समझ गए यार, चारों सेम है, हटाओ इसे. अब मैं अगले पे आता हूँ, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा तो आंसर ही नहीं हो सकता. अब ये क्या होगा, M, अब ये आपका AA टाइप हो गया, B2C2, ठीक है ये करेगा, ये हो गया. बट अब अगर इधर देखूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज में, क्योंकि दोनों आपके क्या हैं, दोनों के दोनों आपके स्क्वायर ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बंद है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती. अब आप अगले पर आइए, अगर यहां आप देखते हैं तो MA3B3 डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यहां अगर आप देखते हैं तो MA2B2 ये भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. इसमें आपको याद होना चाहिए फेक एंड एमर, मेरिडोनल और फेशियल. अब मैं आता हूं अगले पर, देखिए क्लोरीन और सल्फेट, एंड सल्फेट और क्लोरीन, तो ये एक्सचेंज हो गए, ब्रेक करोगे तो ये आयन अलग मिलेंगे, ये आयन अलग मिलेंगे, ये क्लोराइड का टेस्ट देगा और ये सल्फेट का देगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी. तो बच्चों ये आपके सिंगल करेक्ट थे जो इनऑर्गेनिक और फिजिकल में पूछे गए. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आवर शॉर्ट डिस्कशन ऑन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ पेपर 1 ऑफ जेई एडवांस 2024. तो जो ये पेपर अभी हुआ है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक के पोर्शंस हैं या जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग विस्तार पूर्वक थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, और उसमें जो जो इंट्रिकेसीज हैं और जो अंदरूनी चीज़ें हैं वो मैं आपको सारी समझा दूंगा, सारा बता दूंगा. तो इसमें सबसे पहले हम सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इन पेपर 1 वॉज सिंगल करेक्ट क्वेश्चन और ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था. तो ये इसकी इंस्ट्रक्शंस थी, आप लोगों ने देखी होंगी. दिस क्वेश्चन टॉक्ड अबाउट एस्पार्टेम विच इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, डाइपेप्टाइड होता है, ठीक है. और जो सबसे अच्छी चीज़ है उन्होंने इसका नाम इसमें मेंशन कर दिया, ये एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर है. तो फिनाइल एलानिन का मिथाइल एस्टर है, तो इसका आपको सबसे पहले मिथाइल एस्टर बनाना पड़ेगा. तो हाँ, तो ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर उन्होंने दे रखा है इसको आप ये यूज कर लीजिए और इसका मिथाइल एस्टर बना लो. तो इसका मिथाइल एस्टर बनाने के लिए इसको मिथेनॉल से ट्रीट कर लो. कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल विल गिव यू इट्स मिथाइल एस्टर. ये इसका ये एक मिथाइल एस्टर आप बना लो, ठीक है. फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर है, एस्पार्टाइल है, एस्पार्टाइल फिनाइल एलानिन मिथाइल एस्टर. तो उसकी मिथाइलेशन कर ली हमने मिथेनॉल यूज करके. अब आप एक काम करिए, इसको उल्टा कर दीजिए. ये बॉन्ड प्रोट्रूड कर रहा है बोर्ड के प्लेन के बाहर, ये वेज बॉन्ड है. तो जब आप इसको उल्टा कर देंगे, इसको रिवर्स कर दीजिए 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ द पेपर, तो जो वेज बॉन्ड है वो डैश बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा.
ऐसे यूज कर लो, एक तो ये आपने फिनाइलालनीन मिथाइल एस्टर ले लिया और इसको 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ द पेपर कर लिया, तो जो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन के बाहर था, जो वेज बॉन्ड प्रोट्रूड कर रहा था बोर्ड के प्लेन के बाहर, इसको 180 डिग्री रोटेशन करने पर वो बॉन्ड बोर्ड के प्लेन के अंदर चला गया। उसके साथ में आपको एस्पार्टिक एसिड लेना है, ये एस्पार्टिक एसिड आप इधर से ले लो, यहीं से ये वेज बॉन्ड लेके ऐसे आप इसको ले लो। तो अब इसमें है क्या कि इसको तो आपने मिथाइलेट कर दिया, तो जब आपको इसका डाइपेप्टाइड बनाना है तो आप यहां कार्बोक्सिलिक एसिड से OH ग्रुप नहीं ले सकते हो, है ना, तो यहां से आप OH ग्रुप लेंगे और इधर से H लेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिमूवल, वाटर का रिमूवल करके डाइपेप्टाइड बनाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड का लेना, ये एस्पार्टिक एसिड का है, और जो अमीन ग्रुप है वो फिनाइलालानीन मिथाइल एस्टर का लेना है। तो उसकी मिथाइलेशन करके हमने उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को ब्लॉक कर दिया, ताकि एस्पार्टिक एसिड ही वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जो अपना OH ग्रुप डोनेट कर रहा है। तो इसमें से अब आप वाटर रिमूवल करेंगे, एंड व्हेन यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, जो मैंने यहाँ पर डाइपेप्टाइड बनाया है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्टली इसके साथ मैच करेगा जो सब पार्ट बी है। बस इतना याद रखना कि यहाँ पर इसको 180 डिग्री रोटेट किया हुआ है, तो जो इसका वेज बॉन्ड है वो यहाँ पर इसका डैश बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको रोटेट करके फिर यहाँ से आप इसको डिहाइड्रेट कर दो, डिहाइड्रेट करोगे और इधर वाले पोर्शन सारे के सारे एस्पार्टिक एसिड के हैं, ये वाला पूरा एस्पार्टिक एसिड का पोर्शन है और ये मिथाइलेटेड है फिनाइलालनीन मिथाइल एस्टर इधर का, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर ही डाइपेप्टाइड एस्पार्टेम का बनाया हुआ। तो इसमें जो पार्ट बी है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।